सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियांक और स्वागत है आपका मेरे चैनल फूडी स्टेशन में। तो आज हम आ गए हैं एक नई प्लेस पे जो कि यहाँ पे रांची में न्यू खुला है कांके रोड में, तो उसको एक्सप्लोर करने। तो चलिए आप सभी को ये प्लेस दिखाते हैं कैसा है और इसके बारे में रिव्यू करते हैं। सो अगर एड्रेस की बात की जाए तो ये आपके कांके रोड में स्पीकर्स हाउस के जस्ट अपोजिट में आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा। और अगर आप कांके रोड की तरफ से आते हैं तो प्रेमसंस चौक से जस्ट 100 मीटर्स पे आपको ये रेस्टोरेंट E11 इवन एवेन्यू दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में। तो हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और हमें एक प्यारा सा एम्बेंस मिला। प्लेस काफ़ी सुंदर है, अच्छी तरीके से ये डेकोरेटेड किया हुआ है। आपको फोटो पॉइंट के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। ये आपका 15 टू 20 पीपल के लिए परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो। सो आज हम लोग आए हैं E11 एवेन्यू में। तो ये शॉप की ओनर है, तो बात करते हैं शॉप के बारे में और आपको बताते हैं। तो हेलो मैम, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रिया है। ओके, तो मैम आप लोगों ने शॉप ओपन कब किया? ये हमने ओपन किया 13th मार्च। ओके 13th मार्च। तो जैसे आपका नाम है E11 एवेन्यू, हाँ, तो बेसिकली इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आप लोगों ने ये सोचा स्टार्ट करने का? ये कॉन्सेप्ट है, जैसे इसका नाम है 11 एवेन्यू, तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोवाइड करते हैं 11 क्यूजिन्स फ्रॉम अराउंड द 11 नेशंस। ओके, 11 क्यूजिन फॉर 11 नेशंस। ओके, तो कौन कौन से वो है? जैसे सुशी है, जापानीज है, फ्रैपेचिनो है, यूएसए का है, वैसे मोमोज है, तिब्बतन है, फिर नूडल्स है वो चाइनीज है, तो जैसे इंडियन कुजींस है जिसमें आपके चिकन करीज हो गए, ये सब चूरोस है जो कि स्पैनिश है, स्पैनिश। ओके, तो इस तरह से है सारे। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 क्यूजीन, 11 नेशंस का यहाँ पे क्यूजीन सर्व किया जाता है। तो और जो बेसिकली आप लोगों यहाँ का यूएसपी क्या है? यूएसपी यही है कि हम 11 क्यूजींस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ये है कैफे रेस्ट जो कि है कॉम्बिनेशन कैफे और रेस्टोरेंट का। कैफे और रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन। यस, तो ये बहुत यूनिक है इंडिया में। तो आप कैफे में आप देख सकते हैं जैसे आप ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं, शेक्स, मिल्क शेक, एंड रेस्टोरेंट में आप फाइन डाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मेन्यू कम्बाइन करते हैं, दोनों चीज़ों को कम्बाइन। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। तो आपको रांची में कैफे रेस्ट है जो कि कैफे और रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन है। तो आप लोगों की टाइमिंग्स क्या क्या मैम? हमारी टाइमिंग है 12 o'clock इन द आफ्टरनून और क्लोजिंग टाइमिंग है 10। और आप लोग अभी जोमेटो स्विगी में अवेलेबल? हाँ, हमने अप्लाई कर दिया है, तो स्विगी मोस्ट प्रोबेबली टुमारो हो जाएगा और जोमेटो नेक्स्ट वीक। ओके, तो आप लोग यहाँ पे जोमेटो स्विगी से भी कुछ दिन में ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए, और यहाँ का मेन्यू भी मैंने जैसे देख सकता हूँ कि रेट आपने काफ़ी रिजनेबल रखा है, और तो ये स्टूडेंट फ्रेंडली भी, आप लोग यहाँ के सारे स्टूडेंट और फैमिली सब भी आके एंजॉय कर सकते हो। और रांची में बहुत कम ही जगह पे आपको ये अवेलेबल हो, तो आप ये सुशी आके एक न्यू टेस्ट जरूर यहाँ पे एंजॉय करो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपको और बाकी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे डिशेज आ चुके हैं। तो ये हमारा चिकन सुशी है, तो आगे आप आके इसको दिखाइए। ये आपका चिकन सुशी है, ये हमारा फ्रैपेचिनो है, ये हमारा कोटेड पनीर चिली है, और ये हमारा चिकन श्रेडेड चिकन विद इन ऑयस्टर सॉस है। तो चलिए सभी को ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले हम अपना पनीर चिली ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइज़ बहुत ही अच्छा है, क्वांटिटी सफिशिएंट दिया हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं अब। पनीर काफ़ी सॉफ्ट है,
जो सॉसेज यूज़ किए हैं बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत फ्लेवरफुल है, बाहर से क्रिस्पी कोटिंग है और अंदर से सॉफ्ट पनीर है, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक और बाइट लेते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा श्रेडेड चिकन है जो कि ऑयस्टर सॉस में बना हुआ है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और आपसे भी बताते हैं कैसा है। टेस्ट अच्छा है, ये बाहर से क्रंची टाइप से टेस्ट आ रहा है और ऑयस्टर सॉस का एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर इस ऐड कर रहा है डिश को। तो चलिए अब हमारी सुशी जो है, चिकन सुशी, इसको ट्राई करते हैं और आप सभी को बता दें इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक से ये खा रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट शायद होगा या नहीं। तो फाइनली अब थर्ड अटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली ये मैसे उड़ गया है। इसका टेस्ट काफ़ी हल्का सा डिफरेंट है, बाहर से ये मैट से कोटेड रहता है और अंदर राइस और चिकन स्टफ किए हुए हैं। टेस्ट इज एवरेज। तो जो ये नेक्स्ट आइटम हम अपना ट्राई करने वाले हैं, ये तंदूरी लॉलीपॉप है, तो ये भी एक न्यू आइटम है और यहाँ का भी एक स्पेशल है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, आप सभी को बताते कैसा है। बहुत ही यम्मी है, पूरा तंदूरी चिकन का टेस्ट आ रहा है और हल्का सा सॉसेस कुछ बाहर से लगे हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट ये तंदूरी चिकन के जैसा टेस्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा। एक और बाइट लेके देखते हैं। काफ़ी अच्छा, पूरा टेंडर चिकन है, वेल रोस्टेड किया हुआ चिकन, वेल कुक किया हुआ है और फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं इसमें से, तो ये तो बहुत ही अच्छा। आप ये ज़रूर आके यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हो, तंदूरी लॉलीपॉप।